What's up, everybody? Namaste, adab, sat sri akal. Hope you guys all are fine. This is Pritham and welcome back to my YouTube channel, Pierre Dream Rider. तो गाइस मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ट्रेन पे क्या कर रहा हूँ मैं अकेले, तो बता देता हूँ. रुको, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं कूचबिहार पे रहता हूँ और कूचबिहार पे अभी हो रहा है जो हमारा सबसे फेवरेट वाला फेस्टिवल है, राश मेला. तो एक कूचबिहार का लड़का होते हुए मैं कैसे मिस कर सकता हूँ उसे. तो अभी फिलहाल के लिए मैं अकेले सोलो कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम, मतलब मैं इससे पहले कभी भी इतने दूर का जर्नी अकेले कंप्लीट नहीं किया था, तो इस बार मैं करने वाला हूँ ये. तो ठीक है, स्टे ट्यून्ड विथ मी. मतलब अभी जो टाइम है वो हो रहा है, एक सेकेंड, फोन से ही तो देख सकता हूँ. अभी का टाइम हो रहा है 6:08, सॉरी. और कल जब पहुंचेगा तब होगा, मतलब 2 या 2:30 बजे के आसपास मतलब टाइम है. तो ठीक है, अभी मेरा तो ये अपर वाला बार है, मतलब अपर बार ही मेरा फेवरेट है. तो अभी तक पूरा कंपार्टमेंट खाली है, जिधर भी देखो इधर भी खाली है, सिर्फ इधर कुछ लोग हैं. तो ठीक है, स्टे ट्यून्ड विथ मी. पता नहीं कैसा बनेगा व्लॉग, कुछ आइडिया नहीं है. तो ठीक है, और जा रहा हूँ राशमेला पे, तो राशमेला का व्लॉग तो आएगा ही. तो ठीक है, स्टे ट्यून गाइस. ये देख रहे हो यहाँ पे भयंकर, लेकिन मेरे मेरे जो कंपार्टमेंट में सिर्फ मैं अकेला है अभी भी हूँ. लगभग आधा घंटा हो चुका है मुझे आते हुए यहाँ पे, तो मेरे कंपार्टमेंट में अभी भी मैं अकेला ही बैठा हुआ हूँ. अभी तक मेरे कंपार्टमेंट में मतलब इतना ज़्यादा भीड़ हुआ है, तो मेरे कंपार्टमेंट में अभी तक एक भी नहीं है, कोई नहीं है मेरे कंपार्टमेंट में. ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ अकेला व्लॉगर ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ. मैं अभी तक जब से स्टेशन पे घुसा हूँ, मैं लगभग 4 या 5 जन को तो देख ही चुका हूँ कि खुद के फ़ोन से व्लॉग कर रहे हैं. तो ठीक है, मैं अकेला नहीं हूँ आज व्लॉग करते हुए. तो ठीक है, अभी अभी भी टाइम है, आधा घंटा टाइम है. अभी 6:30 हो रहे हैं, 7 बजे के आसपास हमारा ये ट्रेन छोड़ेगा. तो ठीक है, अभी अंदर चलते हैं. अंदर नहीं, मतलब बाहर ही, अंदर गर्मी है फिलहाल. तो ठीक, अभी यहाँ पे बाबा मेरे लिए खाना लेके आए. तो आपका बेटा आज पहली बार ही अकेले ट्रैवल कर रहा है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बेचैनी सा महसूस हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, बेटा है तो हिम्मत रखना चाहिए, मुझे भी हिम्मत रखना चाहिए, वो बढ़िया से सफर करें. तो ठीक है, तो अभी अभी 10 मिनट के अंदर ये ट्रेन छोड़ेगा, तो मैं तब तक खाना फिनिश कर लेता हूँ, तो उसके बाद चलते हैं. मतलब आप लोग तो मेरे साथ ही जाएंगे. तो गाइस हमारा जर्नी स्टार्ट हो चुका है, तो खाना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है मेरा, तो खाना ख़त्म करने के वजह से फेंकना पड़ेगा. और मेरे कंपार्टमेंट में अभी तक कोई नहीं है, अच्छी बात है, अकेले जाऊंगा पूरा कंपार्टमेंट में. तो गाइस अभी यहाँ पे बाहर बहुत सारे लाइट्स है, मतलब पता नहीं है किस चीज़ का लाइट है, लेकिन देखने में बहुत ही ऑसम लग रहा है. तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा है फिलहाल कि ये क्या चीज़ है यहाँ पे. तो मतलब देख सकते हैं एकदम, मतलब मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि कोई रनवे है, मतलब रनवे के एकदम साइड में जैसे लाइट होता है ना, ठीक वैसे ही लाइट है यहाँ पे. तो गाइस मुझे ट्रेन में ट्रैवल करना बहुत पसंद है, फ्लाइट से भी ज़्यादा मुझे ट्रेन पर ट्रैवल करना पसंद है. लेकिन मेरा सिर्फ ट्रेन का एक ही चीज़ पसंद नहीं, वो है कि ये जो ये लोग सोने के लिए ये जगह बनाते हैं ना, ये अगर मैं रात को 2 बजे भी सो रहा हूँ ना, तो मेरा आधा पैर इधर से बाहर रहता है. और अगर इधर से कोई जा रहा है, कोई चाय वाला भी या फिर कोई पैसेंजर भी इधर से जा रहा है, तो मेरा पैर जो है उसके सर पे लगेगा. अगर वो देखे तो ठीक है, ना देखे तो लगेगा उसके सर पे मेरा पैर, और मेरा नींद वैसे ही खुल जाता है. और वैसे भी मुझे ट्रेन में 1 घंटा 45 मिनट से ज़्यादा तो मेरा नींद होता नहीं है ट्रेन पे, पता नहीं क्यों. तो प्लीज़ अगर हो सके तो ये वाला कंपार्टमेंट थोड़ा बड़ा बना दो, कम से कम 6 फीट का ही बना दो, रिक्वेस्ट है ये मेरा, प्लीज़. तेलिया मुड़ा स्टेशन पे, तो यहाँ पे ट्रेन रुका है, और यहाँ पे मैंने अभी अभी देखा कि मेरा सपना है, समझ गया. जो लोग को समझना है वो लोग समझ गए कि किसका बात कर रहा हूँ मैं. तो गाइस अभी जो है रात के 11 बज रहे हैं, और मेरे कंपार्टमेंट में अभी तक सिर्फ एक ही है, मतलब एक ही अंकल, वो थोड़ा ओल्ड एज टाइप के, तो वो आए हैं, तो वो है नीचे सो रहे, तो मैं ऊपर आ गया.
तो अभी 11 बज रहे हैं और अभी मुझे थोड़ा थोड़ा नींद आ रहा है। पता ही है, नींद सिर्फ 45 मिनट से 1 घंटा होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ठीक है, अभी जितना देर भी नींद आता है तो सो लेता हूँ, उसके बाद तो जागना ही होगा। तो ठीक है, गुड मॉर्निंग गाइस। अभी जो टाइम है वो हो रहा है सुबह के 4:49। तो मेरा आँख बहुत पहले ही खुल गया था, लेकिन जो मतलब मेरे कंपार्टमेंट में लाइट नहीं था, तो इसी वजह से मेरे दिमाग में आइडिया ही नहीं आया कि यहाँ पर आके वीडियो शूट करूँ। तो और मुझे थोड़ा नेचर्स कॉल भी अटेंड करना था, तो इसी वजह से तब तक के लिए रुक गया और अभी आया हूँ। तो एक बार मैं अपडेट दे के भी जा रहा हूँ। और नेक्स्ट स्टॉप इज़ है गुवाहाटी, और गुवाहाटी पे कौन है वो तो आप लोगों को पता ही है, बताने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं मिल नहीं सका, जब मैं जा रहा था तब भी वो गुवाहाटी पे ही थे, और अब मैं वापस आ रहा हूँ कुचबिहार की ओर, तब भी वो गुवाहाटी पे ही है। लेकिन मेरा लक इतना ख़राब है कि मैं उनसे मिल नहीं सका। अब जिन लोगों को समझना है वो तो समझ गया कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो कमेंट डाउन मिलो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ठीक है गाइस, तो गुड मॉर्निंग। जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है सुबह के 6:15। तो अभी स्टेशन मतलब ट्रेन रुका है चापोरमुख बोलते हैं एक स्टेशन पे। तो अभी मैं थोड़ा उतरा हूँ क्योंकि बैठे बैठे एकदम हाथ पैर में दर्द होना चालू हो गया था। तो अभी यहाँ से मतलब अंदर जा रहा हूँ, जाके बैठ रहता हूँ फिर से, क्योंकि चीज़ें मैं अकेला ही ट्रैवल कर रहा हूँ, तो अगर कुछ इधर उधर हो गया तो ये मेरा यही फास्ट सोलो ट्रिप और यही लास्ट मेरा सोलो ट्रिप हो जाएगा। तो ठीक है, अभी चलते हैं अंदर। गुवाहाटी पे मतलब हमारे ट्रिप का आधा से ज़्यादा रास्ता कवर कर चुके हैं। अभी भी कुछ भी एरिया से अभी भी 2 स्टॉपेज दिखा रहा है। इसके बाद है कमक्खा, उसके बाद है रोंगिया, उसके बाद होगा न्यू बोंगाईगांव, सॉरी 3 स्टॉपेज, उसके बाद है न्यू कुचबिहार। तो पहुँचते पहुँचते तो 2 या 2:30 बज जाएंगे। तो ठीक है, अभी यहाँ पे ट्रेन रुका हुआ है, तो ठीक है जब चलेगा तो चलते घर। तो गाइज़ मेरा वाला कंपार्टमेंट वापस से पूरा खाली हो चुका है, मैं अकेले जाऊंगा पूरा कंपार्टमेंट में। बैग इधर है, अभी पता नहीं ये कौन सा स्टेशन है, गुवाहाटी से छोड़ा था और अभी आके यहाँ पे रुका है। हार्डली 5 मिनट चला होगा ट्रेन, कंपार्टमेंट पूरा खाली है। तो गाइज़ अभी जो आप लोग ये ब्रिज देख रहे हो, मैंने जाते वक्त अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो मैंने बताया था कि एक ब्रिज है जिसके ऊपर से गाड़ी जाता है और नीचे से ट्रेन। तो ये वही ब्रिज है, मतलब ये सौराईगढ़ ब्रिज शायद नाम होगा, मुझे ठीक से नाम याद नहीं आ रहा है। तो ये वही ब्रिज है, पिछली बार गए थे ऊपर से, इस बार हम लोग आए हैं नीचे से मतलब ट्रेन लाइन से। ये भी एक्सपीरियंस हो गया, मुझे पता नहीं था कि इस रूट से आएगा ये ट्रेन। ट्रेन है ये क्रॉसिंग पे रुका है, तो इधर से ये लोग आ रहे, मतलब ये ट्रेन आ रहा है। और इधर देखो स्टंट्समैन बैठे हैं, मतलब हिलने का नाम नहीं ले रहे इसे। ठीक है, तो अभी हम लोग है इस स्टेशन पे, तो पढ़ लो, मैं और तकलीफ नहीं कर रहा हूँ पढ़ने का। तो ठीक है, मेरे को बहुत दिनों से देखना था,
मतलब मैंने सुना था, मतलब और फेसबुक पे भी देखा था कि ऐसे करके ट्रेन में करके ऐसे ट्रक वगैरह ले जाया करते, आज पहली बार देख रहा हूँ। मेरा मतलब एक शौक टाइप का था कि ऐसे कैसे ले जाते हैं, तो आज देख लिया ऐसे छोटे छोटे ट्रेलर्स पे करके इन गाड़ियों को चक्कों को बांधने के बाद इन्हें ले जाया जाता है। तो ठीक है, हम लोग है बोंगाईगांव स्टेशन पे, तो यहाँ से इसका नेक्स्ट स्टॉप ही मतलब कुछ भी अरे, तो ठीक है लगभग अभी भी 25% अभी भी रास्ता बाकी है इस पूरे ट्रिप का। तो ठीक है अभी यहाँ पे ट्रेन 10 मिनट रुकेगा और मेरा सर पूरा ऐसे घूम रहा है, पता नहीं क्यों, शायद ट्रेन में ट्रैवल कर, अगर मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ तो बीच बीच में कभी कभी मेरा ये चीज़ होता है, तो उसी वजह से शायद। तो ठीक है थक गया हूँ मैं, घर जाके सोऊंगा मैं कुछ खा के। बानेश्वर पे मतलब ऑलमोस्ट मेरा ये ट्रिप कंप्लीट होने वाला है, सोलो ट्रिप मेरा कंप्लीट होने वाला है। तो बानेश्वर से कुछ भी यार 15 या 16 मिनट के आसपास लगेगा, ठीक से मुझे टाइम मालूम नहीं। तो ठीक है अभी मैं ट्रेन से उतरता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। फर्स्ट सोलो ट्रिप है वो पूरा हो चुका है, आज पूरा हो चुका है। मैं उतर चुका हूँ स्टेशन पे, अभी बाहर मेरा दोस्त शुभो वेट कर रहा है, आप लोग तो पहचान दोगे मेरे काफ़ी सारे ब्लॉग्स में वो है, तो बाहर वो वेट कर रहा है। जाता हूँ घर जाने के बाद, घर पे अभी तक किसी को बताया नहीं है, तो पता नहीं किसका कैसा रिएक्शन होगा। तो ठीक है अस्ते। तो यहाँ पे खड़ा है ये लड़का, इंतज़ार कर रहा है हाफ पैंट पहन के। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने घर पे, मतलब ये तो सड़क है पता है, तो मतलब वो जो कार है उसका वो लेके आया था, तो इसी वजह से मतलब बाद से मतलब वो जो बांध है हमारे वहाँ का, तो उससे उतर के उसने उतार दिया मुझे। तो ठीक है इधर से वैसे भी टूटा फूटा हुआ रास्ता है, जैम रहता है, मेन रोड है, तो ठीक है मैं भी वहाँ उतर गया, अभी इधर से चलते। मेरा घर आ चुका है, फर्स्ट सोलो ट्रिप कंप्लीट। सो गाइस अभी मैं घर पे आया हूँ और नहा के आया हूँ, तो बाल थोड़े इधर उधर है तो एडजस्ट कर लेना। तो अभी मैं अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 3:30 हो रहा है अभी, तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए सोने वाला हूँ 6 बजे तक, और 6 बजे के बाद मतलब उठने के बाद मैं जाने वाला हूँ मेले पे जिसके लिए मैं यहाँ पे आया था। तो ठीक है, और इस व्लॉग को भी रात पे आके एडिट करना है और मेले पे जाके भी एक व्लॉग बनाना है। तो ठीक है, सो गाइस दिस इज ऑल फॉर द व्लॉग्स। तो गाइस कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, साइनिंग आउट, पियर ड्रीम राइडर, बाय गाइस।